अस्सलाम वालेकुम पीएमएस एस्पिरेंट्स, आई एम फखर हयात। टुडे इज आवर सेवेंथ लेक्चर ऑफ पीएमएस मैथ्स कम्युनिकेशन पेपर टू। पीएमएस मैथ्स कम्युनिकेशन लेक्चर सेवन पेपर टू। आज का हमारा टॉपिक है टू स्टेप फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन एंड ओपिनियन लीडर्स। टू स्टेप फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन या फिर इसको टू स्टेप फ्लो थ्योरी भी कहते हैं। टू स्टेप फ्लो भी इसको कहते हैं, टू स्टेप फ्लो थ्योरी भी इसको कहते हैं, टू स्टेप कम्युनिकेशन भी इसको कहते हैं, टू स्टेप फ्लो कम्युनिकेशन भी इसको कहते हैं। तो बेसिकली ये जो लफ्ज़ है टू स्टेप फ्लो कम्युनिकेशन, इसका मतलब क्या है? गौर करें जरा, बहुत आसान है। टू स्टेप, फर्स्ट स्टेप, टू स्टेप, ये तो सिंपल सी बात हो गई। फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का फ्लो करना। तो फिर टू स्टेप फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन का क्या मतलब हुआ कि कम्युनिकेशन टू स्टेप्स में कैसे फ्लो करती है? टू स्टेप फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, इसका मतलब ये हुआ कि कम्युनिकेशन टू स्टेप्स में आगे कैसे फॉरवर्ड होती है, कम्युनिकेशन टू स्टेप्स में कैसे आम पब्लिक तक पहुंचती है, कम्युनिकेशन किस तरह से आप अपना टीवी चैनल ऑन करते हैं, टीवी चैनल पर न्यूज़ पब्लिश हो रही है, आप न्यूज़ सुन रहे हैं, बट आप सोचते हैं कि क्या यह न्यूज़ ऑथेंटिक है, नहीं है। अगर इस न्यूज की एक्सप्लेनेशन चाहिए, अगर इस न्यूज पर कमेंट्स चाहिए, कोई जर्नल, कोई एनालिस्ट, कोई तजिया निगार, कोई कालम निगार, कोई जर्नलिस्ट, कोई ओपिनियन लीडर, कोई एक्सपर्ट, जिस किस्म की न्यूज है उस न्यूज की एक्सप्लेनेशन आपको चाहिए, तो आप सोचते हैं कि ठीक है, मुबशर मकमान का चैनल सुनते हैं, वो इस टॉपिक पर अच्छी रोशनी डालता है, या सिर्फ पीरजादा का कॉलम पढ़ लेते हैं, वो इस टॉपिक पर अच्छी कमेंट्री करता है, सेठी साहब का कॉलम पढ़ लेते हैं, सेठी साहब की शो सुन लेते हैं, वो इस टॉपिक पर अच्छी रोशनी डालते हैं। तो ये कम्युनिकेशन कैसे फ्लो होती है? सबसे पहले जो आपका मैस मीडिया है, जो आपका टीवी चैनल है, वहां पर न्यूज पब्लिश होगी, उस न्यूज को सारी दुनिया सुनती है, मैं भी सुनता हूं, आप भी सुनते हैं, लेकिन अगर उस न्यूज पर आपको ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन चाहिए, क्योंकि हेडलाइन होती है जस्ट 1-2 मिनट्स की, अब हेडलाइन पर तो आप पूरी की पूरी फिलॉसफी अंडरस्टैंड नहीं कर सकते किसी भी टॉपिक की, किसी भी करंट इशू की। अगर कश्मीर का इशू चल रहा है आज, जो करंट न्यूज है आजकल, लद्दाख सेंटर में जो हो रहा है, वहां पर लद्दाख रीजन में चाइना इंडिया इन्फ्लुएंस पाकिस्तान, अब एक करंट न्यूज को आपको करंट न्यूज की एक्सप्लेनेशन चाहिए, आप कहां से लेंगे? सोचे जरा। तो क्या होता है, कॉमन पब्लिक तक न्यूज किस तरह से फ्लो करती है? टीवी चैनल ऑन किया, हेडलाइंस सुनी, उन हेडलाइंस को, उन एक्सप्लेनेशन को जो लोग उनकी वजाहत करते हैं, जो लोग इन न्यूज पर, इन करंट टॉपिक्स पर, इन हॉट इश्यूज पर, करंट अफेयर्स पर जो लोग रोशनी डालते हैं, जो एक्सपर्ट लोग हैं, आपके जितने फेमस जर्नलिस्ट हैं, जितने फेमस कालम निगार हैं, जितने एडिटर्स हैं, ब्यूरो चीफ्स हैं, जितने आपके एक्सपर्ट हैं किसी फील्ड के, अगर कश्मीर से रिलेटेड है तो जितने डिफेंस के तजिया निगार हैं, डिफेंस एनालिस्ट हैं, जो वो क्या करते हैं, वो फिर उस हेडलाइन पर, उस करंट अफेयर न्यूज पर टॉक शो बनाते हैं, वो अपना उस टॉपिक पर अपना कॉलम लिखते हैं, वो अपनी कमेंट्री शो करते हैं, फिर अवाम उस इशू को डीपली अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करने के काबिल होती है। अंडरस्टैंड कर रहे बात को? तो इस तरह से अवाम तक जो न्यूज एक कंप्लीट प्रोसीजर के जरिए अवाम तक पहुंचती है, वो कैसे पहुंचती है? मीडिया चैनल क्या करता है? फर्स्ट स्टेप है मीडिया चैनल, मीडिया चैनल की न्यूज लोग सुनते हैं,
उन न्यूज को, फिर उन टॉपिक्स को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कौन करता है? एक्सपर्ट पीपल्स, चाहे वो कलम निगार हूं, चाहे वो तजिया निगार हूं, चाहे वो किसी भी कंट्री के हेड हूं, चाहे वो कोई गवर्नमेंट का नुमाइंदा हो, चाहे कोई पॉलिटिशियन हो, चाहे कोई ब्यूरो चीफ हो, चाहे कोई आर्मी का पर्सन हो, चाहे कोई सिविलियन गवर्नमेंट का हो, चाहे पब्लिक रिलेशंस का डिपार्टमेंट हो, चाहे कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट हो, जो लोग भी करंट अफेयर्स को, हॉट इश्यूज को एक्सप्लेन करके लोगों तक पहुंचाते हैं, उनको कहते हैं ओपिनियन लीडर्स। ओपिनियन का मतलब होता है राय, और लीडर का मतलब होता है लीडर, रहनुमा, गाइड करने वाला। तो जो लोग करंट अफेयर्स को तैयार करके लोगों तक पहुंचाते हैं, जो लोग करंट अफेयर्स की कमेंट्री करते हैं और अपनी राय देते हैं कि इसका मतलब तो ये हुआ। अच्छा, आप अक्सर सुनते हैं, आप अक्सर सोचते भी हैं कि फलां न्यूज है, इस पर मुझे इस बात की समझ नहीं आई कि गवर्नमेंट कहना क्या चाहती है। आज शाम 8 बजे जुवेद चौधरी का टॉक शो है, वो बताएगा इसका मतलब क्या है। आप कहते हैं जी आज शाम 8 बजे मुबशर लुकमान का चैनल पर तजिया होगा, वो सुनेंगे, कहते हैं ना जी आप लोग। तो ये लोग बेसिकली कौन है? ये ओपिनियन लीडर्स हैं। ये करंट अफेयर्स को, ये हॉट टॉपिक्स को अपने लफ्जों में बयान करते हैं, आसान करते हैं, अवाम को वसी पैमाने पर समझाने की कोशिश करते हैं। करंट अफेयर न्यूज लाइन 1 मिनट की होती है, ये एक एक घंटा उस टॉपिक पर तबसरा करते हैं। फिर आप लोग इन लोगों पर ट्रस्ट भी करते हैं, आप कहते हैं नहीं नहीं ये न्यूज, अगर जुवेद चौधरी कह दे कि ये न्यूज ऑथेंटिक है तो फिर मैं मान लूंगा ऑथेंटिक है। अब जुवेद चौधरी क्या है? ओपिनियन लीडर है। आप कहते हैं जी कश्मीर में जंगी हालात हैं, मैं नहीं मानता, ये सब झूठ है। हाँ, अगर आप कहते हैं कि ISPR, आर्मी का जो एक ऑफिशियल इंस्टीट्यूट है पब्लिक रिलेशंस का, ISPR, इंटर सर्विसेस पब्लिक रिलेशंस, आप लोग कहते हैं कि हाँ अगर ISPR की कोई न्यूज आ जाती है, अगर ISPR का कोई बयान आ जाता है इससे रिलेटेड, तो उस पर मैं ट्रस्ट करूंगा। तो ISPR फिर क्या है? एक ओपिनियन लीडर इंस्टीट्यूट है। तो इस तरह से जो ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन होती है, जो ऑथेंटिक कम्युनिकेशन होती है, जो ऑथेंटिक न्यूज होती है, ये जो ओपिनियन लीडर्स हैं, ये आप लोगों के पास उसकी वजाहत करके, उनको टॉपिक्स को एक्सप्लेन करके आप तो लोगों तक पहुंचाते हैं, ताकि आपको बात की अच्छे तरीके से 100% समझ आ जाए और आप चीजों को अंडरस्टैंड कर सकें। तो ये होता है 2-स्टेप फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। फर्स्ट स्टेप मीडिया से आप लोगों तक पहुंची, मीडिया से ओपिनियन लोगों, आम लोगों तक पहुंची, और उस न्यूज को एक्सप्लेन जिन लोगों ने किया वो एक्सपर्ट लोग जो है उनको कहते हैं ओपिनियन लीडर्स। मीडिया चैनल से ओपिनियन लीडर फर्स्ट स्टेप, ओपिनियन लीडर से आवाम यानी ओपिनियन लीडर जो आगे वजाहत करके बताते हैं आम लोगों को, उसको कहते हैं सेकंड स्टेप। तो ये 2 स्टेप कंप्लीट हो जाते हैं फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन के। बस ये सिंपल सा टॉपिक था, 2-स्टेप फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। अब इसको ऑफिशियली अंडरस्टैंड करते हैं। 2-स्टेप फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, इट एक्सप्लेन्स दैट ओपिनियन लीडर्स पे क्लोज अटेंशन टू मैस मीडिया एंड पास ऑन देयर इंटरप्रिटेशन ऑफ मीडिया मैसेजेस टू अदर अदर पीपल्स। इसका मतलब यह है कि जो ओपिनियन लीडर्स होते हैं वो अटेंशन देते हैं, यानी वो क्लोजली न्यूज को ऑब्जर्व करते हैं, सुनते हैं, और सुनने के बाद अपनी ओपिनियन पास कर देते हैं किसको? आम, कॉमन पब्लिक को। इसको कहते हैं 2-स्टेप फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। अब 2-स्टेप फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन को हम डायग्राम्स की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। ये आपका मैस मीडिया है, कोई भी न्यूज मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, अखबार, जर्नल, कोई चीज भी, टीवी चैनल्स, ये आपका मैस मीडिया। मैस मीडिया की बात सारी दुनिया सुनती है, लेकिन उनको एक्सप्लेन करना हर इंसान के बस का काम नहीं है। उनको एक्सप्लेन कौन करेगा? उन पर कमेंट्स कौन पास करेगा? ओपिनियन लीडर्स, एक्सपर्ट जो है किसी भी फील्ड के। अगर कोई सोशल न्यूज है तो सोशियोलॉजिस्ट उसको एक्सप्लेन करेगा, अगर कोई क्राइम की न्यूज है तो आपके मीडिया वाले, आपके कम्युनिकेशन वाले, आपकी पुलिस, आपकी क्रिमिनल एजेंसीज उसको डील करेंगी, अगर इकोनॉमी से रिलेटेड है तो वो तजिया निगार जो इकोनॉमी को डील करते हैं, जो इकोनॉमिस्ट हैं, जो इकोनॉमी के
एक्सपर्ट लीडर्स हैं, वो उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो आपकी न्यूज सबसे पहले जब नशर होती है तो लोग सुनते हैं, फिर लोग इस बात का इंतजार करते हैं कि आईएसपीआर की तरफ से अब कोई बयान आएगा तो हम मान लेंगे कि चलें ये बात ठीक है। अगर इकोनॉमी की बात है तो आप कहते हैं किसी एक्सपर्ट इकोनॉमिस्ट अगर इस बात को एक्सप्लेन करता है तो सही तरीके से समझ आ सकती है। मैस मीडिया से बात गई एक्सप्लेनेशन के लिए, ये ओपिनियन लीडर हैं। ओपिनियन लीडर 1, OPL 2, OPL 3, OPL 4, ये 4 ओपिनियन लीडर्स हैं, डिफरेंट टीवी चैनल्स पर बैठे हुए हैं, अपना कॉलम लिख रहे हैं या फिर अपने शोज कर रहे हैं, अवाम को समझा रहे हैं कि इस टॉपिक का मतलब क्या था, इस न्यूज का मतलब क्या था। फिर उन ओपिनियन लीडर्स को अवाम सुन रही है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 अनलिमिटेड ओपिनियन लीडर्स को आगे फिर लोग सुन रहे हैं। ये ओपिनियन लीडर, ये अवाम नेशन, ये आपकी कॉमन पब्लिक, ओपिनियन लीडर पब्लिक, ओपिनियन लीडर पब्लिक, ओपिनियन लीडर पब्लिक। अंडरस्टैंड कर रहे बात को? मैस मीडिया ने हेडलाइन दी, ओपिनियन लीडर्स ने इनको एक्सप्लेन किया और कहां तक बात पहुंची, लोगों तक। तो ये हो गए 2 स्टेप। फर्स्ट स्टेप इधर से इधर तक, एक स्टेप कंप्लीट होता है, मीडिया टू ओपिनियन एक्सपर्ट, फिर ओपिनियन लीडर से जो बात आवाम तक जाती है, ये है सेकंड स्टेप। फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, बस ये स्टेप है कम्युनिकेशन का। 2 स्टेप फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, न्यूज फ्लो कर रही है यहां से यहां तक, यहां से यहां तक न्यूज फ्लो कर रही है। तो ये है 2 स्टेप फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन थ्योरी। डियर एस्पिरेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि ये टॉपिक अच्छी तरह से आपकी समझ में आ चुका होगा कि 2 स्टेप फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन क्या है और किस तरह से न्यूज कॉमन पब्लिक तक पहुंचती हैं और किस तरह उन न्यूज की अथेंटिसिटी हम जांच पाते हैं। एक कॉमन सी बात आप कहते हैं जी कि जस्ट न्यूज है या फेसबुक की न्यूज है, अब इस न्यूज का पता कोई नहीं है। जब उस न्यूज पर टॉक शोज होते हैं ना, फिर आपको उस न्यूज की असलियत पता चलती है। तो ये बेसिकली एक मॉडल है, एक थ्योरी है, 2 स्टेप फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, यहां पर हमने बात की कि 2 स्टेप ऑफ कम्युनिकेशन को एक्सप्लेन कौन लोग करते हैं, न्यूज की अथेंटिसिटी कौन लोग करते हैं, ओपिनियन लीडर्स। तो हम देखते हैं कि ओपिनियन लीडर्स कौन होते हैं। ओपिनियन लीडर्स कौन है जी? एजेंट्स, वो एजेंट्स हु आर एक्टिव इन इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, जो लोग कम्युनिकेशन में एक्टिव होते हैं, नेटवर्क कम्युनिकेशन में एक्टिव होते हैं, नेटवर्क कम्युनिकेशन में सप्लाई इंफॉर्मेशन, ओपिनियंस, अपनी राय देते हैं एंड सजेशंस, और सजेशंस देते हैं टू द पीपल, लोगों को। वो एजेंट्स जो इंफॉर्मेशन के जरिए, नेटवर्क के जरिए, सप्लाई के जरिए, किसी भी तरीके से अपनी राय आम लोगों तक पहुंचाते हैं, अपनी कमेंट्री आम लोगों तक पहुंचाते हैं, अपनी पर्सनल ओपिनियन आम लोगों तक पहुंचाते हैं, किसी भी टॉपिक पर रोशनी डालकर आपको वजाहत कर देते हैं हेडलाइंस की, उन लोगों को आप लोग कहते हैं ओपिनियन लीडर्स, ओपिनियन एक्सपर्ट्स। ओपिनियन लीडर्स डिफरेंट होते हैं, जिस किस्म की न्यूज होगी उस सब्जेक्ट के, उस टॉपिक जो स्पेशलिस्ट होंगे। अगर न्यूज है डिफेंस की तो ओपिनियन लीडर कौन होगा? ऑफ कोर्स कोई डिफेंस लीडर होगा। अगर न्यूज है इकोनॉमी की तो ओपिनियन लीडर कौन होगा? जाहिर है कोई इकोनॉमिस्ट होगा। अगर न्यूज है कोरोना वायरस की, वैक्सीनेशन की, तो उसकी ओपिनियन लीडर कौन देगा? साफ जाहिर है कोई बहुत बड़ा मेडिकल का साइंटिस्ट देगा, कोई ऑथेंटिक डॉक्टर देगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन देगी, कोई इंस्टीट्यूट तो होगा ना जी जो स्पेशलिस्ट होगा उस काम में। अंडरस्टैंड कर रहे बात को? तो इन ओपिनियन लीडर्स का रोल क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन में आ भी चुका है ऑलरेडी। सबसे पहले अगर ये सवाल आ जाए 2 स्टेप फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन एंड रोल ऑफ ओपिनियन लीडर्स, तो आपने इस तरह से स्टार्ट करना है, डायग्राम बनानी है, इसको एक्सप्लेन करना है, ओपिनियन लीडर को डिफाइन करना, और इसका रोल जो है आपने 10 से 15 हेडिंग्स में ओपिनियन लीडर्स का रोल एक्सप्लेन करता है करना है। तो हम देखते हैं कि ओपिनियन लीडर्स क्या करते हैं। वैसे तो मैंने बातों में आते में आपको जनरली ये बात बता दी है कि ओपिनियन लीडर्स क्या करते हैं, लेकिन फिर भी ऑफिशियली देख लेते हैं। एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन,
अपनी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं लोगों तक, जो लोग ये मीडिया से सुनते हैं उसको फिर अखबारात में उस टॉपिक पर कॉलम लिखते हैं, मैगजीन्स में लिखते हैं, जर्नल्स में लिखते हैं, बुक्स में लिखते हैं, टॉक शोज में एक्सप्लेन्स करते हैं, अंडरस्टैंड। नंबर दो, पर्सनल ओपिनियंस एंड कमेंट्री टू द पीपल, उस टॉपिक पर, उस करंट अफेयर पर, उस हॉट टॉपिक पर कमेंट्स करके अपनी राय लोगों तक पहुंचाते हैं। ऑथेंटिसिटी ऑफ न्यूज या इंफॉर्मेशन, किसी भी न्यूज को ऑथेंटिक होने के लिए उस न्यूज के ओपिनियन एक्सपर्ट की राय होना बड़ी जरूरी है। अगर ओपिनियन लीडर एक्सपर्ट उसको ऑथेंटिक करार दे दे तो वो न्यूज ठीक होती है, वो सजेशंस ठीक होती हैं, वो ओपिनियंस, वो सब कुछ ठीक होता है। नंबर फोर, इनोवेशन ऑफ कम्युनिकेशन एंड आइडियाज, ये लोग क्या करते हैं, कम्युनिकेशन में इनोवेशन लाते हैं, अपने आइडियाज के जरिए न्यूज को बेहतर बनाते हैं। दे आर एक्सपर्ट्स इन देयर फील्ड, वो अपनी फील्ड में एक्सपर्ट होते हैं। पब्लिक एंड फॉलोअर्स हैव ट्रस्ट ऑन देम, अवाम जो है वो उनके लोगों पर, लोग उनकी बातों पर ट्रस्ट करते हैं। आप कहते हैं कि ठीक है जी, अगर फलां एंकर पर्सन ये बात कर दे तो फिर वो बात ठीक कर रहा है, लोग उस पर ट्रस्ट करते हैं। एक्सप्लेनेशन ऑफ करंट अफेयर्स, ये लोग करंट अफेयर्स की एक्सप्लेनेशन करते हैं। हेल्प टू द गवर्नमेंट टू एडॉप्ट मेजर्स ऑन स्पेसिफिक इश्यूज, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये ओपिनियन एक्सपर्ट जो होते हैं अपनी ओपिनियन के जरिए, अपनी सजेशंस के जरिए गवर्नमेंट को गाइड करते हैं कि इस टॉपिक को किस तरीके से कवर किया जा सकता है, इस मसले को किस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है, किस तरीके से खत्म किया जा सकता है। रोल इन सोशल डेवलपमेंट एंड रोल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो ये 10 मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि रोल है ओपिनियन लीडर्स का। तो डियर एस्पिरेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं आज का हमारा टॉपिक आप अच्छे तरीके से समझे होंगे और आपके 100% कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो चुके होंगे। अब इस लेक्चर को सुनने के बाद आप इस काबिल हो चुके हैं कि आप लोगों को बता सकते हैं कि टू स्टेप फ्लो कम्युनिकेशन क्या होती है। करंट अफेयर न्यूज पब्लिश होती है मीडिया पर, न्यूज आप लोग सुनते हैं, ये फर्स्ट स्टेप है। उन न्यूज को ओपिनियन लीडर्स रिसीव करके अपनी राय, अपनी ओपिनियन लोगों तक पहुंचाते हैं, ये सेकंड स्टेप है। तो ये कंप्लीट हो गया टू स्टेप फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। तो ये जो एक्सपर्ट्स होते हैं इनको ओपिनियन लीडर्स कहते हैं। ओपिनियन लीडर्स का क्या रोल है वो मैंने आपको 10 पॉइंट्स में बता दिया। तो डियर एस्पिरेंट्स, इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और एक बात मैं आपको बताता चलूं कि आपके पेपर टू का भी राउंड अबाउट 70% सिलेबस खत्म हो गया, 3 से 4 लेक्चर्स में इंशाल्लाह पेपर को खत्म कर देंगे और आप अपने सिलेबस को हाईलाइट करते जाएं ताकि आप सेटिस्फाइड हो जाएं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने लेक्चर को अच्छे तरीके से सुना, अपने सिलेबस को हाईलाइट किया और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इतने परसेंट सिलेबस अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट्स के साथ क्लियर हो चुका है। और मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।